संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर अच्छे। जो उनके लिए अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, वो जितना बने उतना करें अपनी शक्ति के अनुसार। संयम में ये बात नहीं हो सकती है कि उन्हें पंच महाव्रत का पालन करना है, पंच समिति का पालन करना है, तीन गुप्ती का पालन करना है, तो जितना शक्ति हो उतना करें, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो मुनि धर्म के लिए जितना सुनिश्चित है उतना करना ही होगा। लेकिन तप में ये है कि ऋषभ देव ने दीक्षा ली तो 6 महीने का उपवास कर लिया, और किसी दूसरे अजितनाथ ने तीर्थंकर ने दीक्षा ली 3 ही दिन का किया। कोई जरूरी नहीं कि वो 6 महीना का हर एक आदमी उपवास करे। तो तप माने है जो अपनी इच्छा के अनुसार है। पूजन में भी लिखा है ना कि तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करें निज सकति सम। इसमें लिखा है कि क्यों न करें निज सकति सम, हम अपनी शक्ति के अनुसार क्यों न करें, माने अवश्य करें। संयम में ये शर्त नहीं है कि शक्ति के अनुसार। यदि आप में शक्ति नहीं है तो मुनि पद ही मत लो। जैसे अपने यहां होता है दो मंदिर में, एक चंदा और एक दान। तो या आप मंदिर के मेंबर हो, इस कमेटी के मेंबर हो, तो हर एक को 101 रुपया तो देना ही होंगे। ये तो हो गया चंदा, और फिर आप 1000 दो, 1 लाख दो, जो आपकी मर्जी है। जो ऑप्शनल है, जो हर एक पे अनिवार्य रूप से लादा नहीं जाता है, उसको बोलते हैं दान। और जो हर एक के लिए अनिवार्य हो गया वो तो चंदा है, टैक्स है, जो भी आप उसको नाम देना हो दे लो। अच्छा नाम देना हो तो उसे भी दान दे दो, कह दो। लेकिन जब हमें चुनाव नहीं है और हमें यदि उसको नहीं देते हैं तो हम उसके मेंबर ही नहीं रहेंगे, वो सुविधाएं भी हमें प्राप्त नहीं होंगी, तो फिर वो वास्तव में दान नहीं रहा। ऐसे ही संयम तो वो है जो उस पद के लिए अनिवार्य है, और तब वो है जो ऑप्शनल है। अब तप के बारे में लिखा कि तप चाहे सुर राय, तप जिस तप के लिए देवता तरसते हैं, और कर्म शिखर को वज्र है, जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने के लिए वज्र के समान है। और ये बात दो बार लिखी है एक ही छंद में। एक तो ये लिखा कि तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करें निज शक्ति सम। फिर उत्तम तप जगे माही बखाना, करम शैल को वज्र समाना। द्वारा दो दफे रिपीट किया है। और जब हम कोई बात दो दफे कहते हैं तो उसका अर्थ दो दफे नहीं होता है, बार बार होता है। एक बार और बार बार, तो बार बार का अर्थ दो बार होता है क्या? बार बार माने अनेक बार। जब किसी चीज को हम रिपीट करते हैं तो उसका अर्थ होता अनेकानेक धन्यवाद, तो अनेक अनेक ख्याल में ना, अनेक बार हो जाता है उसका अर्थ। तो वो तप जिसके लिए देवता तरसते हो और जिससे कर्म रूपी पर्वत भेदे जाते हो, वो कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना हमें करनी चाहिए। हम तो तप के नाम पर उपवास को ही जानते हैं, और 1 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, और वो महान तप हो गया। वो तप जिसके लिए देवता तरसते हो, वो 2-4 दिन के भोजन छोड़ने मात्र से हो जाएगा? यदि इसका नाम ही तप है तो फिर देवता इसके लिए क्यों तरसेंगे? कल तो आपको बताया था ना कि जिसकी 33 सागर की आयु है उसे 33,000 वर्ष में भोजन का विकल्प आता है। 33,000 वर्ष का तो बिल्कुल उपवास हो ही गया, और उसके बाद में भी गले में से ही अमृत झर जाता है,
और उससे उसकी भूख तृप्त हो जाती है, जवान जूठी तब भी नहीं होती है। सौधर्मेंद्र है, दो सागर की उम्र है, तो उसे 2000 वर्ष बाद, तो वो काय के यदि इसी का नाम तरसते क्यों है? फिर तो उनका पक्का उपवास है ही ना उनका तो है? लेकिन यहां लिखा कि नहीं नहीं, देवताओं के तप नहीं होता। इसका मतलब यह है तप कोई और चीज है जो देवताओं के नहीं होती है, जो इतना भोजन नहीं करते हैं तो भी उनके नहीं होती है और मनुष्य गति में होती है, हमारे मुनिराजों के होती है। और जिनने मान लीजिए उपवास के दो चार दिन के दीक्षा लेते वक्त, फिर तो रोजीना आहार को निकले, तो रोजीना आहार को निकले तो वे तपस्वी है कि नहीं है? वे भी तपस्वी है। इसका मतलब यह है कि भोजन नहीं किया और किया, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तप में। और एक बात और भी है कि अपने यहां तो अनशन भी तप है और ऊनोदर भी तप है। ऊनोदर माने क्या होता जानते हैं ना, जिसे आप एक आसन बोलते हैं, माने दिन में एक बार अल्प भोजन करना, वो भी तो अपने यहां तप है प्रेमचंद जी। तो तप में भोजन छोड़ने की शर्त कहां रही? और तीसरा अपने यहां वो भी तप है, तब कौन वृत्ति परिसंख्यान। आप 12 तपों के नाम तो जानते होंगे ना, अनशन, अमोदरीय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, एक और कौन है, विविक्त सैयासन और काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप है और 6 अंतरंग तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 12 तप हैं। और एक एक तप इतना महान है कि इसकी चर्चा के लिए एक एक दिन चाहिए। ये 10 धर्म है, 10 धर्म के लिए अपन को 10 दिन मिले हुए हैं ना, तो 12 तपों को भी 12 दिन चाहिए, लेकिन अपन को तो एक ही दिन में निपटाने पड़ेंगे ना। तो इसकी मार्मिक चर्चा जो थोड़ी बहुत अपन वो करेंगे, तो जो शुरू के 4 हैं, ध्यान से देना, 4 को मैं एक साथ निपटाता हूं। 4 है ना शुरू के, कौन? अनशन, अमोदरीय, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग। इनकी जरा हम परिभाषा समझें। अनशन माने तो है भोजन का त्याग, आप जानते ही, अनशन तो समझते ही है। तो अमोदरीय माने दिन में एक बार भोजन करना, भरपेट नहीं करना, जिसे अपन एक आसन बोलते हैं। और फिर वृत्ति परिसंख्यान माने ये है कि जब मुनिराज आहार को निकलते हैं तो वे विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेकर के निकलते हैं, कभी उनको ऐसे ऐसा मिलेगा तो ही मैं आहार लूंगा, नहीं अन्यथा नहीं लूंगा, उसको बोलते वृत्ति परिसंख्यान। और रस परित्याग, आज मैं एक रस का भोजन नहीं करूंगा, आगे मैं 2 रस का त्याग करता हूं, अथवा रविवार के दिन नमक नहीं खाएंगे, बुधवार के दिन घी नहीं खाएंगे, इस दिन दूध नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे, ऐसे रसों का जो त्याग करते हैं वो रस परित्याग। तो 4 तप तो भोजन ही भोजन में समाहित हो गए, 12 में से 4 वन थर्ड भोजन में। ऐसी क्या विशेषता है कि जिसमें हमने जो 12 में से 4 तपों को अकेले भोजन से संबंधित कर दिया? तो उसका एक कारण है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, कि मुनिराज हम इस गृहस्थी से उबकर, गृहस्थों से उबकर वनवासी हुए हैं नग्न दिगंबर दीक्षा लेके। वो क्यों? जंगल तो और भी खतरनाक है, वहां तो पशु पक्षी हैं, खा जाएंगे, एक शेर खा जाएगा, नहीं तो मक्खी मच्छर तो खाएंगे ही खाएंगे। और नगर तो इतना नगर ऐसा क्या खराब था जो जंगल पसंद किया उनने? ये बात तो सच्ची है, जंगल में पशु पक्षी शरीर को खाते हैं और नगर में इस श्रावक लोग माथा खाते हैं। उन्हें आत्मा के कल्याण के लिए माथा चाहिए, शरीर नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो जंगल में जाएंगे, पशु पक्षी शरीर खाएंगे लेकिन अपना माथा सुरक्षित है, उसे आत्मा में लगाएंगे। महाराज महाराज पीछे पड़ पड़ करके
न खुद आत्मा कर चैन रहे, चैन से रहे, ना उन्हें चैन से रहने दे। तो वे मुनिराज ग्रस्तों से, क्योंकि उनकी संगति में उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है, हानि हानि ही होने वाली है। लाभ तो ग्रस्तों को होता है महाराजों की संगति से, महाराजों को थोड़ी लाभ होता है, इसलिए वो वनवासी बने। लेकिन भोजन एक ऐसी चीज है कि जब उनको ग्रस्तों के घर आना अनिवार्य है, वो ऐसा समय है कि जब ग्रस्तों का समागम उनके लिए होगा ही होगा, उससे वो बच नहीं सकते। और काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही, है ना। एक ग्रस्तों का घर तो काजल की कोठरी है, इससे बच के तो वे जंगल में गए थे और यहां आएंगे तो वही होने वाला है। इसलिए एक तो वे पहले मौन लेके आते हैं कि बोलेंगे नहीं तो झगड़े कैसे होगा। दूसरे लौट के जाते हैं तो आचार्य के पास जाके सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि महाराज क्या गलती हुई, और प्रायश्चित लेना पड़ता है। मैं पूछता हूं ये प्रायश्चित की विधि भोजन के तत्काल बाद ही क्यों, और किसी समय में क्यों नहीं? इसलिए कि सबसे ज्यादा गलती ग्रस्तों की संगति में आने पर ही होने की संभावना रहती है। ये काजल की कोठरी है ग्रस्ती का घर, मौन लेके आए और खड़े खड़े दो रोटियां खा के चले गए। खड़े खड़े क्यों? खाना है तो बैठ के शांति से खा लेते। तो भाई साहब कि ग्रस्तों का घर कोई बैठने लायक जगह है? उन्हें इतनी फुर्सत कहां है आत्मा के ज्ञान और ध्यान से कि बैठ के शांति से खाएं? उन्हें तो पेट का गड्ढा भरना है, तो उनकी विधि के अनुसार जैसा मिला और ऐसी प्रतिज्ञा अटपटी टेढ़ी टेढ़ी लेकर कि जिससे किसी एक विशिष्ट घर में ही जाने का न बने, कोई आदमी निश्चिंत नहीं हो जाए कि मेरे ही घर आ जाएंगे, और उन्हें भी नहीं हो कि आज तुम सेठ जी के यहां जाएंगे तो माल मसाला मिलेगा, ऐसा कोई विकल्प नहीं रहे। इसके लिए ये चार तप उनने बनाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चार तपों में महान तप कौन है? अनुसन है क्या उनोदर के वृत्ति परिसंख्यान का रस परित्याग? अनुसन में तो बिल्कुल कुछ खाना ही नहीं है, और उनोदर में एक टाइम खाना है लेकिन भरपेट नहीं खाना है, और रस परित्याग में भरपेट भी खाओ लेकिन एकाध रस का त्याग कर दो, और वृत्ति परिसंख्यान में प्रतिज्ञा ले लो निभ जाओ तो फिर पूरा खा लो आराम से। तो तीन में तो खाने रूप है, खाने की छूट है, और पहले में खाने की छूट नहीं है। बोलो बड़ा तप कौन होगा? हम सबको लगता है कि जिसमें खाने की छूट है वो छोटे होंगे, और जिसमें बिल्कुल खाना नहीं है वो बड़ा है। ऐसा नहीं है। पहले तप से दूसरा तप, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आगे आगे के बड़े हैं। बारहवां तप है ध्यान, और पहला तप है अनशन। अब लगाओ हिसाब कि बड़ा तप कौन है? ध्यान लगातार आत्मा का अंतर मुहूर्त तक करो तो गारंटी है केवल ज्ञान होने की। सही होना चाहिए आत्मा का ध्यान लगातार अंतर मुहूर्त तक, और उपवास, क्योंकि कितने उपवास में है केवल ज्ञान की गारंटी? छह महीने की में तो नहीं होता है। क्यों? ऋषभ देव ने छह महीने का उपवास तो किया था, बाकी के छह महीना सात महीना उन्हें आहार नहीं मिला वो अलग बात है। छह महीने का तो पक्का किया था ना, और वो नकली उपवास की बात भी नहीं है। भगवान ऋषभ देव का उनका ही नकली होगा तो असली किसका होगा? क्यों भाई साहब? फिर छह महीना में तो उन्हें केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, और एक साल की भी गारंटी नहीं है। बाहुबली एक साल खड़े रहे, आहार को उठे ही नहीं, उपवास ही था क्या नहीं था, और उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ एक बरस तक। भाई साहब बोलो आप। और ध्यान में 48 मिनट की गारंटी है, 48 मिनट से भी कम, जिसे अंतर मुहूर्त बोलते हैं, 48 मिनट का तो मुहूर्त होता है, उससे भी अंतर मानो उसके भीतर भीतर,
उससे कम और उतने समय में आत्मा का ध्यान हो तो गारंटी से केवल ज्ञान होता है। बोलो बड़ा तप कौन है? ध्यान के उपवास। भरत चक्रवर्ती ने कपड़े खोले, दीक्षा ली और अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? ये तो अपने पास सिद्ध है ना। और उपवास कितने दिन के करें तो केवल ज्ञान होता है? और एक उपवास करने के लिए कम से कम कितना समय चाहिए? क्या बोला? 24 घंटा। 24 घंटे में एक उपवास हो जाता है? प्रेमचंद जी कभी किया है? अरे भाई साहब, यदि पूरे दिन आपने खाना नहीं खाया तो एक पहले दिन की रात और एक दूसरे दिन की रात उसको खाओगे क्या? कम से कम 36 घंटे तो हो ही गए। 24 घंटे कैसे बोलते हो? प्रैक्टिकल बोलो, मुझे बताओ, जिस दिन उपवास होगा उस दिन भी रात को खाएंगे क्या? अरे कायदा तो ये है कि सप्तमी का एकासन और अष्टमी का उपवास और नौमी का फिर एकासन, तो उसका नाम पुरुषोपवास है। तो 48 घंटे लगते हैं कम से कम। अब एक उपवास में कम से कम 48 घंटे चाहिए और ऐसे कितना ही उपवास करें हो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं, और 48 मिनट का ध्यान करें हो केवल ज्ञान की गारंटी, 48 घंटे के उपवास में केवल ज्ञान की गारंटी नहीं हो, अनेक उपवासों से और 48 मिनट के ध्यान से गारंटी है। बोलो कौन सा बड़ा है? पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते बढ़ते चले गए। वो गुणनफल लगाइए आप ऐसा। तो आप कहोगे साहब ये हमारी जचा नहीं, हमारे घरों में तो एक लड़का ने उपवास किया, एक लड़की ने एकासन किया, तो आप बड़ा किसको मानते हैं? उपवास वाले को, एकासन वाले को कम मानते हैं। तो हम क्या करें? हमारी ना समझे। आचार्य तो कहते हैं कि उपवास से ऊनोदर बड़ा तप है। क्यों? क्योंकि भोजन के पास जाके फटकना ही नहीं, उपवास में देखो वास्तव में तप इच्छा निरोधस तपा, ये तो आपने सुना होगा ना, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, पेट के निरोध को तप कहते हैं, ये कहीं नहीं लिखा। भोजन के पास हम गए ही नहीं तो हमें उतनी इच्छा नहीं होती है खाने की, लेकिन थाली पे बैठ जाएं और दो कौर खाएं, आधा पेट खाएं और उठ जाएं, इसमें इच्छा निरोध ज्यादा की जरूरत है। शास्त्रों में ऐसा आता है कि एक मुनिराज ने एक महीने का उपवास किया, फिर आहार को निकले, निरंतराय आहार मिल गया, तो एक चावल का दाना आहार में लिया, पानी पिया और लौट के वापस आ गए और एक महीने का उपवास। फिर वो ऊनोदर का, अमोदरी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आप कहोगे क्या क्या फायदा था जाने से? एक ही चावल खाना था तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे दो महीने का रिकॉर्ड बन जाता। अज्ञानी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रहता है। मुनिराज तो इसलिए गए थे कि मैंने जिन इच्छाओं के निरोध के लिए उपवास किया है उनमें कुछ फर्क आया कि नहीं। भोजन के पास जाना नहीं अलग बात है, और जाकर के सारी सामग्री सामने आ जाए थाली पे और फिर छोड़ के आना, उसमें इच्छा का निरोध ज्यादा है। अपनी जांच करने गए थे वे तो, इसलिए अमोदरी है वो, उससे ज्यादा है, बड़ा तप है। और फिर देखिए वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञाएं ले गई, अब उसको मिलेगा इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। उपवास भी हो सकता है, अरे हो सकता है तो उपवास ही कर लेते ना, नहीं ये बड़ा तप है उससे। और अस्परित्याग, इससे तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि हमारे पेट से आचार्यों को कोई विरोध नहीं है। हमारे यहां ऐसा नहीं कहा कि तुम सब रस एक साथ त्याग कर दो। उनने कहा इतवार के दिन नमक नहीं खाना, बुधवार के दिन घी नहीं खाना, ये रसियों की व्यवस्था है ना। आज ये रस छोड़ दिया, कल वो रस छोड़ दिया, क्योंकि पेट को सारी चीजों की जरूरत है, वो शरीर को मिलना चाहिए। और सब चीजें यदि हम रोजाना खाते हैं तो हमारे स्वाद अच्छा बन जाता है, और रोजाना एक एक चीज गायब कर दे तो वो चीज सब बेस्वाद हो जाएगी। यदि हम हमेशा के लिए नमक छोड़ दें तो बिना नमक के भोजन में भी स्वाद आने लगेगा।
और सात दिन में एक दिन नमक छोड़े वो छह दिन खाएं तो भोजन फीका हो जाएगा। छह दिन घी खाएं और एक दिन छोड़ दें तो फीका हो जाएगा। तो उसने एक एक रस छोड़ के रोजाना का भोजन फीका कर लिया और पेट को सब चीजों की जरूरत थी, तो सात छह दिन मिले और एक दिन नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में तप में पेट का निरोध नहीं, इच्छाओं का निरोध है, और इच्छाओं का निरोध अनशन से ज्यादा अमोदरी में है, अमोदरी से ज्यादा वृत्ति परिसंख्यान में है, और वृत्ति परिसंख्यान से ज्यादा रस परित्याग में है। इसलिए वो आगे आगे के हैं, वो बड़े तप। देखो अपने गृहस्थों में तो अपन अनशन करते कि नहीं करते, अमोदरी भी करते, वृत्ति परिसंख्यान तो कोई नहीं करता। और आप ऐसी प्रतिज्ञा लेके निकले मुनिराज जैसी तो हंसेंगे लोग, कोई उसका रिवाज ही नहीं है, थोड़ा बहुत रस परित्याग का रिवाज है। लेकिन वास्तव में तप तो मुनियों की मुख्यता से है, ख्याल में है ना। गृहस्थ भी पालक करते हैं लेकिन तपस्वी तो मुनिराज कहलाते हैं, गृहस्थों को थोड़ी तपस्वी कहते हैं। बोलो आप किसी गृहस्थ को कोई तपस्वी कहता हो तो बताओ मुझे, क्योंकि वो तो संयम के बाद होने वाली चीज है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास हिंदी के एमए में है, कोर्स में तो एमए के में है, और कोई आदमी दसवीं क्लास पास ही पढ़ ले उससे तो कोई रोक थोड़ी है। लेकिन कायदे से उसका जैसा ज्ञान होना चाहिए वो तो एमए की परीक्षा में ही होगा। ऐसे कोई पहले कर ले तो अलग बात है, लेकिन वास्तव में तो ये मुनियों की मुख्यता से है इन तपों का वर्णन, ख्याल में है ना। तो ये चार तप जो भोजन से संबंधित थे उनकी चर्चा मैंने आपसे थोड़ी बहुत की। देखो पांचवा तप क्या है, विविक्त सैयासन, और छठवां तप है काय क्लेश। विविक्त सैयासन माने क्या होता है, एकांत में उठना बैठना। एक विविक्त सैया और आसन, विविक्त माने एकांत और सैया माने सोना और आसन माने बैठना। मुनिराज एकांत में, एकांत में माने जहां पर ज्यादा गड़बड़ होगी तो आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे। वो नहीं चाहते कि हमारे आत्मा हमें यहां वहां के बातों में उलझे। यदि वो सार्वजनिक स्थानों में रहेंगे बैठेंगे उठेंगे तो वो तो 24 घंटा घिरे ही रहेंगे। वो तो ऐसा एकांत स्थान चुने जिसे वे आत्मा का ध्यान कर सके। अब अभी तो हम आजकल तो ऐसा देखते हैं कि मंदिर में महाराज बिराजे हैं और वो ऐसी जगह बिराजते हैं कि जहां से हरेक आदमी निकले तो कोई भी आदमी उन्हें बिना देखे नहीं निकल पाए। महाराज भी देखते हैं कि इन्हें नमस्कार किया कि नहीं किया, किया तो कितना किया, 90 की डिग्री से किया कि 75 की डिग्री से किया कि 60 की डिग्री से किया। लिखा तो उनका तप तो विभक्त सही आसन है कि ऐसी जगह बैठे कि जहां आवागमन नहीं हो। आप भी सामायिक करने बैठते हो तो कई जगह बैठना पसंद करते हो, कोई भीड़भाड़ वाली जगह में कि जहां सब आदमी निकल रहे हैं आ रहे हो, जहां एकांत में। विभक्त सही आसन को अपने यहां तप का नाम दिया है क्योंकि वो ध्यान की सिद्धि करने वाला है, ध्यान के लिए सहयोगी है। और काय क्लेश, ये काय क्लेश तप के बारे में बहुत गड़बड़ है। लोग समझते हैं शरीर को तकलीफ देना ये तप है। पहली बात तो ये है कि शरीर को तकलीफ होती नहीं है, तकलीफ तो जीव को होती है। सुख दुख तो चेतन का गुण है, पुद्गल का गुण है, शरीर तो पुद्गल का बना हुआ है। क्यों मैं कुमार जी, आपको कोई तकलीफ हुई तो आपको हुई क्या, शरीर को हुई? काय क्लेश, क्यों उसने काया को क्लेश किया? क्या मुनिराज गए थे पर्वत की चोटी पे धूप में बैठ गए थे काय के लिए कि काय को क्लेश दे तो तप हो जाएगा। अरे सूरज की तेज गर्मी में पसीना झड़ता है, कर्म नहीं झड़ते। तो शास्त्र में क्यों लिखा कि वे ऐसी जगह जाके बैठ के तपस्या करी? इसलिए जाके उन्होंने ऐसी जगह चुनी कि वहां उन्हें विभक्त सैयासन मिले, एकांत में उठने बैठने को जगह मिले। इस भीड़ वाली जगह में जाएंगे तो वहां तो भीड़ लगी रहेगी, वहां एकांत का मिलेगा। पर्वत की चोटी पर जाकर के ऐसी शिलाखंड पर बैठे कि बगल में कोई दूसरा बैठ ही नहीं पाए। शीतलनाथ की टोंक देखी,
शकर जी की, कैसी लंबी ऐसी पतली पतली है, ऊपर जाके वहां जाके बैठ गए भी, क्योंकि बगल में कोई आगे बैठेगा तो माथा खाए बिना रहेगा नहीं, वे आत्मा का ध्यान नहीं करने देगा। होता है अपन ग्रस्तों के साथ नहीं होता है। मेरा क्या है नेचर कि जब मैं कुछ लिखता पढ़ता ज्यादा हूं तो अध्ययन करते करके फिर मैं उसे सोचने के लिए घूमता हूं महेंद्र कुमार जी, तो ही राउंड लगाने लगता हूं सामने, सोचता हूं और फिर जब मेरा दिमाग व्यवस्थित हो जाता है तो बैठे फिर लिख देता हूं उसे। लोग समझते हैं कि अभी अभी पंडित जी खाली है, चलो गप लगाएं। यानी वो मेरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है सोचना। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी लिखी होती हैं, जो लिखी है उनके बारे में सोचना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो अपने दिमाग से निकालना पड़ता है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जब हम करते हैं तब लोग समझते हैं फालतू घूम रहे, ये तो ऑफिस के टाइम में भी घंटे घंटे पता घूमते ही रहते हैं, घूमने के शौकिया है, वे समझते हैं स्वास्थ्य का प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है। तो मैं आगे बात करते हुए मैं कहते भेजा भी नहीं, फिर अपन वहां बैठेंगे फिर बात करेंगे, अभी अभी नहीं, फिर समझे क्या क्या हो गया इनको। वो मुनिराज उस इस पे इसलिए बैठेंगे कोई का साथ नहीं हो, हम इसलिए घूमते हैं कि बैठेंगे तो सामने आगे बैठ के कोई बात करेगा, हम घूम रहे हैं तो साथ साथ में थोड़ी वो हमारे घूमेगा, अब साथ साथ में भी घूमने की कोशिश करते। वे पर्वत की चोटी पर इसलिए जाके बैठे तो धूप में बैठने की क्या जरूरत थी, यदि वृक्ष की छाया में बैठ जाते तो क्या तकलीफ थी, कोई आने वाला नहीं था वहां, क्यों साहब? अरे आदमी नहीं आता तो गाय भैंस आते, कुत्ते बिल्ली आते, पशु पक्षी आते, छाया तो देखते हैं ना गर्मी में सब, तो उनसे भी डिस्टर्बेंस होता, कीड़े मकोड़े आते, मक्खी मच्छर आते, उनसे भी डिस्टर्बेंस होता। उस धूप में कोई नहीं फटकेगा, जेठ की दोपहरी में 12 बजे उस पर्वत की चोटी पर जहां धूप आ रही है और कीड़े मकोड़े भी गायब हो जाएंगे, कोई नहीं दिखेगा वहां, वे शांति से आत्मा का ध्यान कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने चुना, काय को क्लेश देने के लिए नहीं चुना ये जगह। लेकिन फिर काय क्लेश नाम तप का क्यों रखा अजित बाबू? इसलिए रखा कि उन्होंने अपने आत्मा के ध्यान की मुख्यता रखी, काय के क्लेश की परवाह नहीं की, इसलिए उसका नाम रखा काय क्लेश तप। काय को क्लेश देना वो तप नहीं है, काय का क्लेश का विचार नहीं करके आत्मा के ध्यान के विचार की मुख्यता रखी। भले ही तकलीफ हो थोड़ी शरीर के माध्यम से तो उसे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एकांत तो मिले शांति से। यदि आप ऐसी जगह आगे बैठा लेंगे तो फिर दो आदमी चौकीदार बैठाने पड़ते हैं, जैसे अपने ऑफिसर के सामने चपरासी रहता, हर एक आदमी पूछ के आए, हर एक आदमी महाराज के पास जाने वाले को पूछ है, वो आगे बद्दा के सूचना दे रहे, इसमें तो राजा महाराज महाराज का काम भी राजाओं जैसा हो जाता। कहां से आए चपरासी, कहां से आए रोजाना के बहुत चपरासी, सेठिया लोग चपरासी बनने को तैयार है। वो उनने जगह वहां ऐसी चुनी थी कि यहां किसी को दूसरे को बैठाने की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी आचार्यों ने इन 6 तपों को बाह्य तप कहा। टोडरमल जी ने लिखा कि बाह्य क्यों कहा, तो जवाब दिया कि जिससे औरों को ऐसा लगे कि ये तपस्वी हैं, क्योंकि ये बाहर से दिखाई देते हैं, इनकी फिल्म बन सकती है, इनकी फोटो खींच सकती है, और जो अंतरंग तप है वो दूसरों को दिखाई ही नहीं देंगे, उनका उनकी फिल्म नहीं बन सकती है, जो बाहर से दिखाई देगा ये तपस्वी है, इसलिए इनका नाम बाह्य है। अब वो कहते अंतरंग तप है, जरा उन पर विचार करें, पहला कौन है? विनय, फिर प्राश्चित, फिर वैयावृत्ति, फिर स्वाध्याय, फिर वित्सर्ग और ध्यान। अब ये अंतरंग तप है, टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा कि अंतरंग तप की बाह्य प्रवृत्ति तो बाह्य तपों के समान ही जानना, और अंतरंग जो भावों की मुख्यता है उसकी चर्चा मैं करता हूं। सबसे ज्यादा भ्रम विनय तप के मामले में है, विनय तप। जब भी विनय तप की चर्चा चलती है समाज में
तो आज के विद्यार्थी विनय करते ही नहीं है, बच्चों में विनय नाम की चीज तो रही नहीं है, माँ बाप को नमस्कार तक नहीं करते हैं, अपने कॉलेज में अध्यापकों को भी नमस्कार नहीं करते हैं, हम सब ए रोना लेने को बैठ जाते हैं, फिर विद्यार्थियों को कोसने लगते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि विनय तप से विद्यार्थियों का क्या लेना देना है? मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को अपने गुरुओं की विनय नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बच्चों को अपने मां बाप की विनय नहीं करना चाहिए, यदि वो करते भी हैं तो भी वो विनय तप नहीं है। तप तो तपस्वियों के होता है, मुनिराजों के होता है, जिनकी विनय सारी दुनिया करती है, और वे किसी की विनय नहीं करते। बोलो, भगवान महावीर तपस्वी थे कि नहीं थे? वे किसकी विनय करते थे? वो सारी दुनिया उनके चरणों में झुकती थी। मेरा मतलब विनय तप किसी दूसरे के चरणों में झुकने का नाम नहीं है भाई साहब। अबे विद्यार्थी तपस्वी थोड़ी है। मैं आपसे पूछता हूं, हम विद्यार्थियों का रोना रोते हैं उसमें क्या दम है? आज विद्यार्थी इतना उद्दंड हुआ है क्या कि जब क्लास में अध्यापक जाता है तो वो बेंच पर अपने खड़ा हो जाता है? होता क्या नहीं होता है? मैं पूछता हूं, आप में इतनी विनय है जब शास्त्र आवे और वक्ता आवे तो आप खड़े होते हैं? ज्यादा आवे नहीं कौन है, आप है के विद्यार्थी? आप भी तो क्लास में बैठे हैं। विद्यार्थी क्लास में लेट आ रहे तो वो अध्यापक से पूछ के आता है, मे आई कम इन सर? और जब तक परमिशन नहीं मेरे अंदर नहीं आता है, आप आवश्यकता समझते हैं अजित बाबू? और कभी अध्यापक ये भी कर सकता है कि यदि आज लेट आया हो तो ब्रेंच पे खड़े हो जाओ, तो खड़ा रहता कि नहीं रहता आज का विद्यार्थी? मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब खड़े हो जाइए तो कल मेरा प्रवचन बंद हो जाएगा। पंडित जी आप कल की बात कहते हो, अभी कह के देखो आज बंद ना करा दूं तो मेरा नाम नहीं। तो ज्यादा विनय भंग हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे? आप भी अध्ययन कर रहे हैं ना, और धर्म के क्षेत्र में तो और अधिक विनय होनी चाहिए ना जिनवानी माता की, गुरुओं की। भंग कौन कर रहा है विनय? विद्यार्थी गए नहीं। खैर मैं विद्यार्थियों का कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता, ना आपको गाली देना चाहता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि विनय तो भाई साहब अंतरंग तप है, उसको बाहर की क्रिया से नहीं जोड़ना। और तप के नाम आपने सुने, चार हैं विनय तप: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। इसमें कहां आ गई तुम्हारे अध्यापक विनय, मां बाप विनय की आई? अरे जिन मुनिराजों के विनय तप होता है उनके मां बाप ही नहीं होते, वे मां बाप को छोड़ के आते हैं जब दीक्षा लेते हैं तब। एक गुणों की विनय लिखी है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, व्यक्ति की बात ही नहीं है, गजब बात हो गई, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसमें। सम्यक दर्शन के प्रति हमारे हृदय में जो बहुमान का भाव है वो हमारी दर्शन विनय है। सम्यक ज्ञान के प्रति हमारे हृदय में जो बहुमान का भाव है वो ज्ञान विनय है, और सम्यक चारित्र के प्रति हमारे हृदय में जो बहुमान का भाव है वो चारित्र विनय है। तो मां बाप की विनय, गुरुओं की विनय, उपचार विनय में होगी, चौथा भेद है ना उपचार विनय, या नहीं? उपचार विनय में भी नहीं है, क्योंकि उपचार विनय धर्म के क्षेत्र में धर्मात्माओं की होती है। तो सम्यक दर्शन की विनय वो दर्शन विनय, और सम्यक दृष्टियों की विनय वो उपचार विनय, ज्ञान की विनय वो ज्ञान विनय, और ज्ञानी धर्मात्माओं की विनय वो उपचार विनय, और सम्यक चारित्र की विनय वो चारित्र विनय, और चारित्रवंतों की विनय वो उपचार विनय। ये लौकिक विनय की बात नहीं है, ये तप है भाई साहब। इसमें उपचार विनय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारकों की विनय आती है, बाकी के जीवों की विनय नहीं आती। आप समझ लेना, चाहे जाना अपने माथे को थोड़ा नारियल समझ के चाहे जहां टेक देना, इसका नाम विनय तप नहीं है। आप जानते हैं विनय बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब, जो चढ़ाई जाती है अपने माथे पे तलवार जैसे, और कटते हैं शत्रुओं के माथे, तलवार को अपने माथे पे चलाते हैं ना ऐसे ऐसे, और शत्रुओं के माथे कटते हैं।
यदि हम सावधानी से नहीं चलाएं तो अपना माथा भी कर सकता है। ये विनय वो ऐसी तलवार है जो चलाई जाती है अपने ऊपर और काटती है कर्म को। ध्यान रखना, विनय सबसे बड़ा धर्म है, विनय सबसे बड़ा पुण्य है और विनय सबसे बड़ा पाप है। क्या कह रहे हैं? ये जो 12 तप है ना, उसमें विनय अंतरंग तप है, इसलिए सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, आज उस जिसकी चर्चा हो रही है। और 16 कारण भावनाओं में एक विनय संपन्नता नाम की भावना है। प्रतनचंद जी ने व्याख्यान दिया था ना आर्य धर्म के दिन, उस दिन उन्होंने बताई होगी विनय संपन्नता। वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण होने से सबसे बड़ा पुण्य है। और 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक विनय नाम का मिथ्यात्व होता है। सुना, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, बस होए घोर आघे कीने, बचते नहीं जाते कहीं ने। हम बोलते हैं विनय के बस होकर मैंने घोर पाप किए, मिथ्यात्व का भेद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनय तप के नाम पर हम विनय मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं। बिना सोचे समझे जो जिसके योग्य नहीं है हर जगह अपना माथा टेक देना, ये विनय नाम का मिथ्यात्व है ना। मंदिर में, मस्जिद में, क्यों? हम तो नेता हैं, हमें तो सब करना पड़ता है ना। गुरुद्वारे में, क्यों? वो अपने आप विनय मिथ्यात्व है। सच्चे देव सास गुरु के चरणों में माथा टेकना तो विनय संपन्नता नाम की 12 भावना है, 16 कारण भावना में है। और कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र के चरणों में माथा टेकना वो विनय नाम का मिथ्यात्व है। और विनय नाम का तप तो दोनों ही नहीं है, क्योंकि वो बहिरंग रूप नहीं होता है, वो अंतरंग रूप होता है। वो अंतरंग तपों में है, अपने अंदर में जो सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति बहुमान का भाव है, उस भाव का नाम विनय तप है। भाई साहब, बाहर में तो ऐसा भी हो सकता है कि हम मन में आपकी काट रखते हो और ऊपर से हाथ जोड़ के नमस्कार करें, फिल्म तो बन जाएगी नमस्कार करते हुए की, और अंदर में हमारी कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हो सकती है। अंतरंग तप में ये पोल पट्टी नहीं हो सकती है। अंतरंग में गुणों के प्रति जो बहुमान का भाव है वो 24 घंटा रहता है। वो बहिरंग तप तो कभी कभी होता है, हम किसी को नमस्कार करेंगे तो 24 घंटा थोड़ी करते रहते हैं। लेकिन वो मुनिराज तपस्वी तो 24 घंटे है कि नहीं है? तो विनय नाम का तप तो उनके अंदर 24 घंटे विद्यमान है। सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति जो उनके हृदय में श्रद्धा का भाव है वो उनके विनय नाम का तप 24 घंटे है। बैयावृत्ति तप के मामले में भी ऐसी गड़बड़ है। तो हम मालूम पैर दबवाने दबदाबने को दबवाने को बैयावृत्ति समझते हैं। मैं एक बात पूछता हूं, छोटी सी बात, ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा बात करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर करूंगा कि पैर दाबना तप है कि दबवाना तप है? नहीं आया समझ में? मेरे पैर आप दाबें तो आप तपस्वी है कि मैंने आपके पैर दबाए तो मुझे बैयावृत्ति नाम का तप लग है कि आपको है? विचार न, आप जवाब मत दो, मुझको ही देना ना भाई साहब। मेरी तो एक प्रश्न है करने की आदत है आपको जगाने के लिए, क्योंकि आप सब लोग जवाब देने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। पर दो बातें हैं ना, एक तो पैर दबाता है, मैंने महाराज के पैर दबाए तो बैयावृत्ति हुई, तो बैयावृत्ति तब किसको हुआ, महाराज को क्या मुझे? तो आप कहेंगे साहब पैर दबाए हैं जिसके हुए, मैंने पैर दबाए दावे ना तो मुझे हुआ तब। क्यों ऐसे ही मानते कि नहीं मानते? तो तपस्वी तो महाराज कहलाते हैं, 12 तब तो महाराजों की मुख्यता से है, ध्यान तब तो अभी उनकी मुख्यता से आने वाला है। मेरे और तब तो गायब हो गए, बस मेरे पैर दबाए होते ही। और यदि पैर दबवाना तप है तो इससे बढ़िया तप तो कोई हम दूसरा हो नहीं सकता कि हम आराम से पैर दबवाए हो तपस्वी भी कहलवा।
अब वैयावृत्ति शब्द में पैर दबाना कहां से आ गया मेरी समझ में नहीं आता। वैयावृत्ति का अर्थ पैर दबाना कहां से आ गया? वैयावृत्ति का अर्थ तो यह होता है कि जो मुनिराज हैं, तपस्वी हैं, वो कोई तकलीफ के कारण अपने धर्म से डिग रहे हों, उनका चित्त डोलायमान हो रहा हो, तो उनके चित्त को उसी में स्थिर कर देना। वे खुद करें तो खुद ने खुद की वैयावृत्ति करी, और यदि दूसरे साधु उन्हें समझाएं बुझाएं कहें तुम क्या जिंदगी तुम्हें तपस्या की अब तुम्हारे मन को डिगा रहे हो, ऐसा उपदेश देके उसमें स्थिर कर दें तो वो वैयावृत्ति है। क्या क्या ख्याल में है ना? तो पहले वो 24 घंटे 12 महीने चाहे जब आराम से हम तुम पैर दबा रहे और हम दबवा रहे, इसका नाम वैयावृत्ति नहीं है। अब कोई आदमी को मुनिराज को बहुत 104 डिग्री बुखार हो गया, 105 डिग्री बुखार है, खूब जोर की प्यास लग रही है, अब उनके तो मुंह से निकलने लगे पानी 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 पानी, एक गिलास पानी लाओ। अब उन्हें उपदेश दो अकेला कि तुम क्या बात कर रहे हो, जिंदगी भर तुमने पानी नहीं पिया, रात को पानी मांगे तुम्हें शर्म नहीं आती है, क्योंकि उपदेश देते हो पानी तो लाते नहीं, गुस्सा आएगा। तो उस वक्त आप उनके पैर दबाओ, हाथ दबाओ, सिर दबाओ, और फिर प्रेम से कहोगे देखो ऐसा लिखा है शास्त्र में कि एक गिलास पानी लाके रखोगे, देखो पानी ये ले आए, आपने आज्ञा दी पानी रखा है, लेकिन ये सुन लो एक गिलास पानी पीकर अनंत संसार में भटकना पड़ेगा, और यदि इसमें क्या है नरक में जाओगे तो कितने 3 समुद्र का पानी पीते हो तो भी प्यास नहीं बुझती है, तो बरसों बिताए कि नहीं बिताए तुमने, अभी इतनी प्यास नहीं बर्दाश्त करोगे तो नरक में जाकर कितनी कितनी प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी समझ लो, तो उसकी समझ में आएगा, परिणामों में स्थिरता आएगी, और तुम पानी तो लाओ नहीं, कोरा उपदेश दो तो गुस्सा आएगा। तो वो तो तब की बात है जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो, मजे से पैर दबाते रहना दबाते रहना, उसका नाम वैयावृत्ति तप नहीं है। तप में वैयावृत्ति की जाती है, पैर भी दबाए जाते हैं, और परिस्थिति में प्रतिसार में लिखा है बहुत विस्तार से कि एक मुनिराज है और उनके गुरुजी हैं, बहुत बीमार हो गए हैं, उनकी बहुत हालत खराब है, तो कोई दवाई देना है तो वैद्य को भी जाकर बात करें, वो आहार देने वाले को भी समझाएं ये दवाई आहार के टाइम के अलावा तो लेंगे नहीं, ये दवाई दी जाए, तो वो अपने गुरु के लिए अपने बराबरी के दूसरे के लिए वो साधु खुद के लिए नहीं, और ऐसी विषम परिस्थिति में अब आज तो ऐसा है कि मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन अब आपको धर्म लाभ देना है ना, तो 15 मिनट आ रात का तो कोई सवाल ही नहीं है, और तेला देखकर मर्दन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, अब हमें उसको वैयावृत्ति तब समझ लिया है। अब इसके बाद में देखिए प्रायश्चित विनय प्रायश्चित तप, प्रायश्चित तो आप समझते हैं जो गलती हो जाए मुनिराज ने पूछी तो गलती अपराध लेना, विनय वैयावृत्ति। अब स्वाध्याय नाम का जो तप है, स्वाध्याय के लिए आपने मंदिरों में देखा हो स्वाध्यायम परमम तपः, स्वाध्याय परम तप है लिखा कि नहीं लिखा? ध्यान से यदि ध्यान नंबर 1 का महान तप है, यदि कोई दूसरा नंबर आता है महानता में तो स्वाध्याय को आता है, स्वाध्याय बहुत महान तप है। क्यों? कि उसका डबल लाभ है, जो हम भगवान की पूजा भक्ति वगैरह करते हैं इससे स्वभाव होकर पुण्य का बंध होता है, तो हम स्वाध्याय जब करेंगे तो भगवान की बात सुनेंगे तो उसमें वो पुण्य लाभ तो है ही, और ज्ञान की वृद्धि एक्स्ट्रा है। पूजा भक्ति करते हैं रतनलाल जी तो हम अब कहते हैं और भगवान श्रोता है, और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो भगवान की बात को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सुनते हैं, एक ही बात है ना, सामने होते तो हम सुनते समोसन में बैठ के, और सामने नहीं है तो हम उनके शास्त्र लिखे हुए पढ़ते हैं, तो भगवान की बात हम पढ़ते हैं। अपनी बात भगवान को सुनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान की बात सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है? बोलो लाभ ज्यादा किसमें होगा? और जो हम भगवान को सुनाते हैं वो तो वही के वही रिपीट, सारी जिंदगी से बोल रहे वही की वही पूजा, वही की वही पूजा, रिपीटेशन में उपयोग लगता है। भगवान की जो बात हम पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तत्वासूत पढ़ेंगे, समयसार पढ़ेंगे,
मोक्ष में प्रकाशक पढ़ेंगे तो उसमें नया नया विषय आने से हमारा उपयोग लगता है, तो ज्यादा हमें शुभ भाव होता है और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय को परम तप लिखा, लेकिन हमारी दृष्टि में उस स्वाध्याय को हम तप ही नहीं समझते हैं। जरा आप कल्पना करो कि घर में हमारी दो बेटियां हैं, एक बेटी ने 8 दिन के उपवास किए और एक बेटी दिन में 2 दफे खाना खाती है लेकिन दिन भर स्वाध्याय करती रहती है, जो मंदिर में प्रवचन होते हैं तो प्रवचन सुनने जाती है, बच्चों को धर्म पढ़ाती है, सारे इसी पढ़ने पढ़ाने में ही लगी रहती है, तो आप तपस्वी किसको मानते हैं? जो जिसने वो उपवास किया है उसको सब तपस्वी मानते हैं, जो स्वाध्याय कर रही है उसे कोई तपस्वी मानने को तैयार नहीं है, न घर वाले न बाहर वाले। और उपवास कर रही है तो बेटी, उसका तो जुलूस निकलेगा, हाथी पे बैठे निकलेंगे, 100-200 आदमी को जमाया जाएगा और राजस्थान सभा वाले रामलीला मैदान में सम्मान करेंगे, और स्वाध्याय करने वाले का किया कभी? मुझे स्वाध्याय करते करते 35 साल हो गए। क्यों? मैं क्यों बैंक पर ही मैंने हमारी दृष्टि की मुझे स्वाद नहीं कराना, कुछ घबराना नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी दृष्टि में स्वाध्याय नाम का तप कोई तप ही नहीं है। घर की क्या हालत है? घर में 2 लड़कियां बैठी हैं, बाहर से किसी ने घंटी बजाई, वो स्वाध्याय कर रही है, उसके एक का उपवास है, तो मैं चिल्लाएगी जा किबार खोल, किससे बोलेगी? जो स्वाध्याय कर रही उससे, का जिसने उपवास किया है उससे। वो कहे मम्मी मैं पढ़ रही हूं ना, तो दादा पढ़ देखते क्यों, ये खाली बैठी ना फालतू, इससे क्यों नहीं कहती हो? चुप रहा, उसने उपवास किया। लेकिन उपवास किया है तो क्या किया है कि खाना नहीं खाया? तो खाना नहीं खाया तो ये तो नहीं किया हुआ ना, पानी नहीं पिया ये तो नहीं किया हुआ ना, किया क्या? पॉजिटिव क्या है? कुछ नहीं किया। लेकिन उसके सब आगे पीछे चक्कर काटेंगे, उसे कोई किवाड़ खोलने को जाने नहीं देगा, और उससे गए तो स्वाध्याय छोड़कर किवाड़ खोल गया और ज्यादा गड़बड़ की तो डांट और पड़ेगी। उसके प्रति कोमल व्यवहार नहीं है, उसे हमने कुछ तप ही नहीं माना है स्वाध्याय को, और उसको हमने बड़ा तप माना है। यानी अनशन भी एक तप है, वो पहला, और स्वाध्याय 10वां तप है, उसे 10 गुना नहीं 100 गुना महान तप है, वो साक्षात मुक्ति का कारण है, लेकिन उसको हमने तपस्वी नहीं माना। इसका मतलब यह है कि अंतरंग तप की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। अब वो स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, नाम सुना आपने? तत्वा सूत्र में लिखा है, पढ़ना, बांचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, 5 प्रकार का होता है। इस शास्त्र को आप पढ़ते हैं ये भी स्वाध्याय है। फिर आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो भी स्वाध्याय है, वो तप है भाई साहब। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप शास्त्र पढ़ रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई तप कर रहा हूं? दूसरों की बात जाने दें, लेकिन उपवास कर रहे होते हैं तो लगता है कि मैं तप कर रहा हूं। हम खुद ही धोखे में हैं। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई तप कर रहा हूं, जबकि शास्त्र में स्वाध्याय में प्रचना नाम का एक तप है। जब आप सोच रहे होते हैं बैठ के शांति से तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तप कर रहा हूं, दुनिया को लगता है, जबकि वो स्वाध्याय नाम का तप है। जब आप पाठ कर रहे होते हैं वो एक स्वाध्याय नाम का तप है, और जब उपदेश दे रहे हैं वो भी एक स्वाध्याय नाम का तप है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं यहां उपदेश दे रहा हूं और आप सुन रहे हैं, हम दोनों तप कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? मुझे आप तपस्वी माने चाहे ना माने, लेकिन कम से कम भाषण देने के कारण तो तपस्वी नहीं मानते।
मुनिराज को भी जो भाषण देते हैं तो भाषण देने के कारण तपस्वी नहीं मानते हैं और उपवास करने के कारण हम तपस्वी मानते, बड़े तपस्वी हैं, 10 दिन का उपवास किया, रोजाना व्याख्यान देते हैं, इसलिए बड़े तपस्वी, ऐसा कोई नहीं कहता। जबकि है ना, बांचना प्रथना अनुप्रेक्षा आमना धर्मोपदेशा, इनका स्वरूप भी समझो। चाहे जैसा कोई भी सांस उठाया उसमें से ऐसा पढ़ के पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, वो बांचना प्रस्वाध्याय नहीं है। आत्मा के कल्याण करने वाले शास्त्र को हम विधिवत शांति से आत्मा को समझने के लिए पढ़े तो वो स्वाध्याय है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप स्वाध्याय तो करते होंगे, लेकिन कोई ग्रंथ का शुरू से लेकर अंत तक बंध के स्वाध्याय किया? कि हमने मोक्षमय प्रकाशक शुरू किया था आज और एक साल में आज पूरा कर दिया पढ़ते पढ़ते, क्यों किया कभी ऐसा? मैं आपसे पूछता हूं कि 400 पेज का उपन्यास आपने पढ़ना शुरू किया था वो कभी अधूरा छोड़ा? वो 3 दिन में ही पूरा कर दिया, और मोक्षमय प्रकाशक को 3 साल लग गए और वो भी पूरा किया ही नहीं, का 2-4 अध्याय करके छोड़ दिया, फिर कभी पढ़ लिया, बीच में पढ़ लिया, क्यों? तो जैसी रुचि हमारी विषय कषाय के पोषक ग्रंथों में है, वैसी आत्मा के कल्याणकारी ग्रंथों में कहां है? वो बांचना स्वाध्याय है तब। फिर दूसरे का गला पकड़ने के लिए पूछना वो प्रश्ना नाम का तप नहीं है, दूसरी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करना वो प्रश्ना नाम का तप नहीं है। उसे तो बनारसी दास जी ने लिखा है, परस्त्री रमण है पर बुद्धि को परखवो, दूसरे की बुद्धि की जांच करने के लिए कुछ बोलना ये तो परस्त्री रमण नाम का विषय है। लेकिन हमारी समझ में शास्त्र पढ़ के हमने पूरी कोशिश की समझने की, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई, तो अत्यंत विनय पूर्वक योग्य विद्वान से वो बात पूछना, उसका नाम प्रश्ना नाम का तप है भाई साहब, अब साधारण काम नहीं है। फिर गुरुजी ने जो बात बताई वो शास्त्र में अपन ने जो पढ़ी उस पर खूब चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा नाम का तप है। कभी सोचा? और आमना क्या है, ये पाठ करते हैं ना अपन भक्तामय जी का, सूत्र जी का, तो वो जो हमने पहले गुरु मुख से सुना, हमने पढ़ा, समझ में नहीं आया तो गुरु से पूछा, और जो सोचा और सोच के हम जो किसी डिसीजन पर पहुंच गए, तो वो बात इतनी मुश्किल से हमारी समझ में आई है तो हम कभी भूल ना जाएं, इसके लिए उसको रटना, बार बार रिपीट करना, वो आमनाय नाम का तप है। और हमारी तो क्या हालत है, हम मोदना विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां पर क्या था कि विद्यालय में हमारा मंदिर था छोटा, तो बहुत सी माताएं बहनें मंदिर आती थी और उनका रोजीना की नियम था कि मैं सूत्र जी का पाठ करके भोजन करूंगी, भक्तामय जी का पाठ करके भोजन करूंगी, तो रोजीना हम विद्यार्थियों से पकड़ के भैया जरा सुना देना, और हम पकड़े गए तो 8 घंटा बेकार गया, 1 घंटा 1 घंटा बेकार गया। पढ़ाई का समय होता था तो कोई विद्यार्थी, सब जब जानते बुढ़ी अम्मा आई छुप जाती थी कमरे में कि पकड़े ना जाए, एक दिन में पकड़ा गया। और मैंने कहा भाई सुना दे, तो मैंने उसको सूत्र जी सुनाना शुरू किया। इतने में दूसरा लड़का आया कि भैया तू है, आज बहुत देर हो गई, तू भक्तांबर जी सुना दे, तो उसे भक्तांबर जी सुनाना शुरू कर दिया। मैं सूत्र जी सुना रहा हूं अम्मा जी को, वो दूसरा लड़का भक्तांबर जी सुना रहा है, और उनने माला लेके माला फेरना शुरू कर दी, नमो तीनों काम एक साथ, थ्री इन वन। अब मैंने सोचा कि अम्मा जी सुन तो रही नहीं है, अपना 1 घंटा खराब क्यों करो, कल मेरा पेपर है। तो मैंने पहले अध्याय के 5-6 सूत्र पढ़े और बोला इति तत्वार्थादि में मोक्ष शास्त्र प्रथम अध्याय, और फटाफट 10 मिनट में 10 अध्याय पूरे। अम्मा जी तो खुश 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 खुश, मैं भी खुश और अम्मा जी भी खुश। मैं इस बात में खुश के चलो 1 घंटा का काम 10 मिनट में पता दिया। दूसरे दिन अम्मा जी आई कि वो पतला पतला लंबा लंबा लड़का कहां है, कि क्यों, कि मैं तो उससे ही सुनूंगी सूत्र जी, तुम लोग तो घंटे भर खराब कर देते हो, उसने 10 मिनट में सुना दिया। लड़कों ने जब मेरी ऐसी प्रशंसा सुनी
एक पंडित को दूसरे पंडित की प्रशंसा कभी बर्दाश्त नहीं होती और सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है। तो उन्हें बहुत जलन हुई, तो बोली अम्मा जी तुम समझती नहीं हो, वो बहुत बदमाश लड़का है। कि क्या बेटा क्या बदमाश है? कि वो पूरे सूत्र नहीं पढ़ता है, 5-7 सूत्र पढ़ करके बोल देता है प्रथम अध्याय। तो अम्मा जी ने कहा कि हमें उससे क्या लेना देना, उसका पाप उसके माथे, अपना काम तो 10 मिनट में हो गया। मैंने कहा गजब हो गया, पुण्य पुण्य अम्मा जी बटोर ले गई और पाप मेरे माथे। अरे 30-40 साल से सूत्र जी सुन रही है और जिसको ये पता नहीं लगता है कि ये 5 सूत्र सुनाए गए, 33 सुनाए, पहले अध्याय में कितने सूत्र हैं, दूसरे में कितने सूत्र हैं, ये पता नहीं है, और वो इसका नाम आमना है बसवाध्याय है। वो तो चिंतित विषय को रिपीट करना जिससे मैं भूल ना जाऊं, उसका नाम आमना स्वाध्याय है। और ये 4 स्वाध्याय हमारे जीवन में हो गए हो, कौन कौन? बांचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा और आमना है। तब हमें उपदेश धर्मोपदेश देने का अधिकार है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस आ गया पूरा, फिर हम धर्मोपदेश दे सकते हैं। लेकिन हमें कुछ पता नहीं, हमने ना बांचा है, ना हमने पूछा है, ना हमने चिंतन किया है, ना हमने उसे याद किया है, और धर्मोपदेश देने तैयार बैठे, और सुनने वाले भी मिल जाते हैं। महावीर जयंती को बुलाएंगे किसी नेता को, वो आके सबसे यहीं से शुरू करेगा कि मैंने तो भगवान महावीर की कोई बात पढ़ी नहीं है। सबसे पहले तो अपन निमंत्रण देने जाएंगे तो कहेंगे महेंद्र कुमार जी कोई किताब दे देना मेरे को, तो आप किताब दे के आएंगे महेंद्र कुमार जी, तो सेक्रेटरी से कहेंगे भैया तू पढ़ लेना, उन्हें फुर्सत कहां है? वो कहेंगे पढ़ पढ़ा के थोड़े नोट्स बना देना, वो बेचारा मेहनत करके आगे नोट्स बना बनू के देगा तो उसे उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं है। फिर यहां आकर बोलेंगे मैंने तो भगवान महावीर को कुछ पढ़ा नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं भैया, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझता हूं मैं आपको समझाता हूं। और भगवान महावीर ने कहा कि हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाइना ऐसा करता तो बहुत, हिंदुस्तान पाकिस्तान अमेरिका, सुना सुनू के महावीर के नाम पर आप तालियां भी, कहा कितना बढ़िया भाषण दिया। अरे जो ये कह रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है तो फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूं और फिर भी तुम समझ रहे हो, तो कह रहे बहुत बढ़िया समझाया, गजब हो गया। एक बात कहूं ना, नाराज मत होना, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं कि साहब मेरे पेट में दर्द है, क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा कि कर दो, कि मैंने आज तक किसी का किया तो है नहीं, तू लेट जा देखता हूं तेरा प्रयोग करके देखता करवाएंगे क्योंकि वो मर जाने का डर है। यहां काय का डर है? धर्म के क्षेत्र में चार्ज से देह का सवाल आया तो हमें योग्य से योग्य डॉक्टर चाहिए, यहां नहीं तो बंबई जाऊंगा, 10 गुना खर्चा करूंगा, अमेरिका जाऊंगा। बंबई और अमेरिका में कोई फर्क थोड़ी है ऑपरेशन कराने में, तो अमेरिका में जाके क्यों कराते हैं हम? ज्यादा पैसा हो गया तो अमेरिका में जाते हैं, मुझे तो फर्क है, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, और फर्क है कोई गुरुजीत बाबू। अरे जाने दो ऑपरेशन की बात, मुझे कुर्ता सिलाना हो और मैं कहूं भाई साहब मुझे कुर्ता सी दोगे, पंडित जी आज तक कुर्ता सीना तो है नहीं, मैं तो पेटीकोट ब्लाउज स्पेशलिस्ट हूं। आजकल तो दर्जी भी स्पेशलिस्ट होने लग गया, कोई पेंट के कोई है नहीं, कुर्ता कभी सिया नहीं है, लेकिन लाओ कोशिश करता हूं तो तू रहन दे भैया। क्यों? कि मुझे डर लगता है कि 200 रुपए की खादी खराब कर देगा, इसका डर लगता है, लेकिन आत्मा का कोई डर नहीं है। कोई भी कहेगा मैं तुम्हें आत्मा समझाता हूं और हम समझवे तैयार हैं। दर्जी के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, लेकिन धर्म के लिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। क्यों? विचार करो आप गंभीरता से, धर्मोपदेश भाई साहब तप है। मैंने बोला ना कि एक यदि चपरासी की नौकरी निकले तो उसके लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, और फिर उसकी 6 महीने ट्रेनिंग होगी, बिना ट्रेनिंग के आप ना मास्टर बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते, चपरासी तक नहीं बन सकते हैं, पर मिनिस्टर बनने के लिए ना ट्रेनिंग चाहिए ना डिग्री चाहिए। अब वो मिनिस्टर बनते ही सब क्षेत्र में वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस का भी उद्घाटन वही करेगा, जैन धर्म का भी उद्घाटन वही करेगा, महावीर के सिद्धांत भी वही समझाएगा, बुद्ध के सिद्धांत भी वही समझाएगा। जब 10,000 जनता सुनने आएगी तब वो मिनिस्टर समझाएगा,
तब पंडित हुकुमचंद श्रोता बन के बैठेगा, 50 आदमी बैठे होंगे जब पंडित हुकुमचंद समझाएगा, घबराना नहीं। मैं तो स्वाध्याय नाम का तप का स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरह अंदर में झांकने की जरूरत है, क्यों कि धर्मोपदेश भाई साहब तप है, ये उपदेश भी तप है, वो तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो अकेले उपवास में ही उलझ के रह गए थे। लेकिन उपवास भी हमारा सच्चा काम होता है। टोलेमी जी ने लिखा है, कसाय विष आहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयम स उपवासा शेषम लंघन कम विधु। कसाय विषय और आहार, तीन चीजों का त्याग होता है तो उपवास कहलाता है, बाकी तो लांघन है। शास्त्र में लिखा मेरे घर की बात नहीं है, उसका स्वरूप भी हम सही क्या समझते हैं। और ध्यान नाम का अंतिम तप है, जो अंतर्भूत में से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ध्यान भाई साहब आत्मा का ध्यान है, वो किसी पर पदार्थ का ध्यान नहीं है, वो ब्लड प्रेशर कम करने वाला ध्यान नहीं है, वो शरीर की बीमारी ठीक करने वाला ध्यान नहीं है, वो शरीर से में विराजमान शरीर से भिन्न जो भगवान आत्मा है उसका ध्यान है, उसका नाम तप है। इस तरह ये 12 तप हैं, ये 12 तपों का